इतनी गर्मी हो गई है और जिसकी वजह से मेरी तबीयत भी ना थोड़ी डाउन हुई हुई है। ये क्या है? वाह, ये मैं ले लूं? अरे मेरा बच्चा मेरे तेरे दबाव पर लग ब्रो, मुझे इसने फॉलो किया माशाल्लाह। तो ये देखे नाजी, ये यूसुफ का कप है। अभी क्या हुआ कबीर भाई? कबीर को बुलाओ जल्दी यार, ए जल्दी आओ। पल्ला पल्ला हो जाएंगे, इस बार तो रोजे जो है ना वो माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, सलाम छोटी बल्लाह में खुश आमदी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने पैरों के साथ होंगे, अपनी फैमिली के साथ होंगे, बाहर पुल में होंगे, लेकिन बाहर में अकेले नहीं होंगे, आपकी बहन आपके साथ मौजूद है। शुरू के रमजान इतने ठंडे गुजरे हैं, गर्मी होती जा रही है, दिखाए। मैं भी यहाँ आई थी दुपट्टा डालने के लिए अपना, ना थोड़ा गीला और था, मैं सूख जाए, इतनी गर्मी हो गई है और जिसकी वजह से मेरी तबीयत भी ना थोड़ी डाउन हुई हुई है। और आपको पता है रमजानों में रूटीन चेंज हो जाती है। आपकी रूटीन बताएं क्या है रूटीन? हमारी रूटीन क्या है? हम जो सहरी तक जागते रहते हैं, सहरी करते हैं, उसके बाद भी हमें जो है ना 9 बजे नींद आती है, 9 बजे के बाद भी हमें 2 बजे उठना पड़ता है अफ्तारी करने के लिए, तो नींद होती नहीं, जिसकी वजह से जिस्म भी थोड़ा डिस्टर्ब होता है। मेन चीज है नींद, जब नींद नहीं होगी तो फिर क्या होगा, इतना पूरा जिस्म डिस्टर्ब हुआ हुआ। और अफ्तारी में आपको पता है फिर रोल समोसे पकौड़े खाते हैं, उसकी वजह से भी जो है ना जिस्म में जान धागर नहीं, मतलब ऐसा पेट खराब रहता है। रात को भी मैंने मेडिसिन खाई है और अभी भी ना मेरा पेट ऐसा हो चुका है, अजीब अजीब सा हो रहा है, तो बड़ा जो है ना रूटीन चेंज हो जाती है इसमें ना। फिर अभी तो मैंने सोचा था कि मैं अब जो है ना अफ्तारी नहीं बनाया करूँगी, खाने बनाया करूँगी, अब जो 15 रोजे के बाद मैं खाने बनाऊंगी, अफ्तारी नहीं बनाऊंगी। बहुत जिस्म भी बेचार हुआ है, पेट भी खराब हुआ, बच्चों का भी पेट खराब हुआ हुआ है। और आपकी रूटीन क्या है जल्दी से मुझे कमेंट में बताएं। तो जी नाज़रीन, आज का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। सहरी में जो है हमने बनाया था आज मलका मसूर की दाल और पराठे, अंडे तले थे, और अब जो है कि हम जा रहे हैं अफ्तारी बनाने, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। यहाँ मैं मछलियों को खाना दिया है क्योंकि मछलियों का तो रोजा नहीं है, हमारा तो रोजा है, इनको तो खाना टाइम पर चाहिए। और अभी मैं कबीर से सौदा मंगा रही थी, कबीर आप सौदा लेकर आ जाओ, दूध ले आओ, पालक ले आओ, और रोल की समोसों की पट्टी ले आओ, और आलू ले आओ, प्याज ले आओ, और केचप ले आओ, टैंग ले आओ, और एक बच्चा भी ले आओ। कैसा लगा मेरा मजाक? ऐसा होना चाहिए ईद के बाद, ईद के बाद तो होना चाहिए, एक सरप्राइज देना चाहिए हमारे बहन भाइयों को, सब्सक्राइबर को, है ना सब्सक्राइबर, एक देना चाहिए ना आपको सरप्राइज। चले जनाजे, मैं इनसे सौदा मंगवा रही हूँ, और उससे पहले जो है मुझे वजू करना है, नमाज अदा करनी है असर की, तो फटाफट से नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, أشهد أن لا إله إلا الله। अरे मेरा बच्चा मेरे इतने दबाग पढ़ लो ब्रो, मुझे इसने फॉलो किया माशाल्लाह, जिसने जिसमें नमाज पढ़ लेती है, आपको भी पढ़नी नमाज है। चलो दुआ मांगते हैं। सबसे पहले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाह पाक क्या गफूर रहीम, गुनाहगार से अकार बदकार बंदे, अल्लाह पाक हमारी नेक तमन्नाएं उनको कबूल मकबूल फरमा, अल्लाह पाक जिनके औलाद उनको औलाद अता कर, जो परेशान उनकी परेशानी दूर कर दे, अल्लाह पाक मेरे मामू ऑपरेशन अस्पताल में, अल्लाह पाक उनकी परेशानी दूर कर दे, अल्लाह पाक उनको ऑपरेशन कामयाब करे, अल्लाह पाक मेरे बच्चों को सेहत दूसरे तक फरमा, अल्लाह पाक मेरे को घर अता कर फरमा, या अल्लाह पाक जिनके पास घर नहीं उनको घर दे, अल्लाह पाक जो परेशान उनकी परेशानी दूर कर दे, या रब्बना या रब्बना इन्ना लिल्लाहि वा इलैहि राजिऊन। कबीर जो है रोज समोसे की पट्टियां लिया है, और यहाँ यूसुफ ने भी कह दिया कि मैं भी समोसे बनाऊंगा, बनाना आता है आपको? कह
कैसे बनाते हैं? तो नाजिंग यहाँ हमने मसाला तैयार कर दिया, और क्या मसाले में डाला गया है, क्या क्या स्पाइसेस है वो उसे आपको बताएगी। अस्सलाम वालेकुम। इसके अंदर चिकन है जी, चिकन है, गाजर है, शिमला मिर्च है, हरी प्याज है, कुटी लाल मिर्च है, नमक है, और इसमें आपको मजे की बात बताओ, इसमें अंडा भी डाला है उबला हुआ। और क्या क्या है सॉसेस बताओ? सॉसेस है, चिली सॉस है, सोया सॉस है, और सिरका है, और थोड़ा सा वो टमाटर केचप है, मगर चिली गार्लिक वाला डालिएगा, वो टमाटर वाला डालिएगा, वो उससे मीठा हो जाएगा। क्योंकि पता है रूसा, हमारी रेसिपी लोग फॉलो कर रहे हैं, हमारी रेसिपी लोग बना रहे हैं, और ज्यादातर जो है ना तुम्हारी रेसिपी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो ये आप लोग कहते हैं ना कि मैं उसका काम करती ज्यादा, मैं उसका हाथ बढ़ाती, इससे पहले कौन करता था, मैं ही करती थी, अभी उसका मेरे पास आई हुई है, तो अब अरूसा कहती है उनको अच्छा नहीं लगता कि बहन काम कर रही है अकेले, तो अब देखो मैं अरूसा का ही साथ दे रही हूँ, रोल बना रही हूँ। अब कैसे बनेगा रोल बताओ यूसुफ? ये यूसुफ का समोसा देखो, ये कैसा समोसा है गंदे हाथों का, ऐसे बना के, और ये जेब बना के ना, इसकी जेब, जेब में लोग पैसा भरते हैं, आराम से माल भरना, देखो। अच्छा मैं कैसे बनाती हूँ, ये देखें आप, ये ऐसे लिया, ये कराए, ये घुमाया, ये पॉकेट बन गई, और इसमें मैंने मैंने ये मसाला डाल दिया, और जब इसको खाएंगे ना, आए है पानी आ जाए, मुंह में पानी आ गया मेरे तो कसम से, बहुत मजे की फीलिंग जा रही है इसके अंदर, बहुत मजे का ये मसाला बना है। मेरे लिए तोहफा लायो, ये इनकी सालगिरह का तोहफा इन्होंने मुझे दे दिया, कह रहे मम्मा मैं आपके लिए गिफ्ट लायो। इसको क्या बोलते हैं, कहाँ से लिए गिफ्ट? यहाँ से लेकर आयो, अंदर गैलरी में से लेकर आयो। अच्छा, और ये कपड़े किसके हैं? दिखाओ भाई नाजिम को, दिखाओ अपने कपड़े, दिखाओ दिखाओ, खोल के दिखाओ। वाह, ये मैं ले लू, कहाँ लगाऊ, ये यहाँ पे लगाओ। अच्छा चलो सही है, चलो सही है भाई, अपना गिफ्ट लेकर आया है, मुझे दे दिया। यहाँ मैं पकौड़ों का मसाला तैयार कर रही हूँ, ये देखिए मैंने बंद गोभी, अब जो है हम इसके पकौड़े बनाएंगे। यूसुफ कब से बोल रहे मम्मा मुझे दूध दो दूध दो, तो ये देखे नाजी, ये यूसुफ का कप है, और यूसुफ को मैं दूध डाल के दे रही हूँ उसके अंदर, क्योंकि ये यूसुफ को तो कुछ ना कुछ खाने को चाहिए ना, यूसुफ को कभी दूध चाहिए तो कभी जो है कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। अभी मैंने पराठा दिया था इनको, अब कह रहे मुझे दूध दो। अभी क्या हुआ, रे बुला उनको, कबीर भाई, कबीर को बुलाओ जल्दी यार, अभी रे जल्दी आओ, ये देखो गिर गई हो यार, तब टूट गए, जल्दी करो, ये क्या हो गया यार, देखो जल्दी कब्बे टूट गया नीचे, आराम से, नहीं रो ना, नहीं रो, एक मिनट क्या हुआ? क्या हुआ, अचानक चक्कर आ गए मेरे को, सुबह से मेरी तबीयत ही सही नहीं है कबीर, तो फिर का काम नहीं करती ना, मैंने बोल रही थी भाजी मैं बना रही हूँ, आराम कर लेती हूँ, हाँ मैं बना रही थी, मैंने मतलब बोला पिता की मैं बना रही, मैं अंदर कुछ भी नहीं करने गई, दूध लेने गई थी मैं बच्चे के लिए, यूसुफ के लिए, पता भी नहीं चला मेरे को ऐसे चक्कर आया, धाम से ना सर घूम गया, आज मैं शहरी में कम खाया था मुझे ऐसा लग रहा है। और देखे यूसुफ स्माइल भी रोने लग गया, देखो देखो स्माइल भी रोने लग गया, वो देखो दिखाओ दिखाओ, वो देखो रोने लग गया बच्चा, चलो ले लिया, बना लेगी तुम, ले लिया पकौड़ों का मसाला वहाँ रखा हुआ, कुछ नहीं डालना उसके अंदर, सब डाल दिया मैंने, खाली बेसन डाल के फ्राई कर दो। अरुसा अरुसा
बेसन के पकोड़ों में कुछ नहीं मिलाना आप। अच्छा। मैंने उसके अंदर सब डाल दिया, बस खाली बेसन डाल के फ्राई कर लो। मैं सारे काम कर लूंगी, ठीक है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, अल्लाह तुम्हारा नसीब। चलो उठो, सर ऊपर करो। डॉक्टर को ले आता हूँ मैं। रोजे में नहीं या नहीं इंजेक्शन लगाया मैंने, लेटी हूँ। हाथ पाओ कब कप आ रहे मेरे। चलो ले लिया, आराम करो। मुझे जब रोजा खोलने का टाइम होगा तो उठा दूंगा। पप्पू की भी याद आ रही है मुझे। बस बस रमजान में पप्पू की बहुत याद आ रही है, मजा नहीं आ रहा इस रमजान में। पता नहीं यार आप ही को, पता नहीं किसकी नजर लग गई, एकदम तबीयत खराब हो गई, बेहोश हो गई। वैसे तो मैं कर लेती हूँ, मैंने बोला आज कही थी मैं कर लेती हूँ, मैंने बोला नहीं मैं कर लूंगी। वो किचन में गई और फौरन ही बेहोश हो गई, तबीयत भी ठीक नहीं है। आप सब दुआ करें इनके लिए। और यहाँ पे देखो आलू के पकौड़े बन रहे हैं, आधे बन आधे डाले आधे बन जाएंगे, क्रिस्पी क्रिस्पी मिक्स वेजिटेबल पकौड़े। इसके अंदर वो बंद गोभी है, पालक है, और क्या नाम है, हरी मिर्चें, हरा धनिया है, पुदीना है, और मसाले में है कुटी लाल मिर्च, और जो पकोड़ों का मसाला दिखाया था ना हमने वो है, और नमक है बस। और बिस्मिल्लाह पढ़ा करें, बिस्मिल्लाह पढ़ने से काम अच्छा होता है। अच्छा आप लोग कमेंट्स करते हैं कि भाई आपने अपनी छोटी बहन को काम में लगाया हुआ है, तो मुझे कुछ शौक है, मैं जो है खुद ही काम करती हूँ और अच्छा लगता है मुझे काम करना, शुरू से मेरी आदत है। मैंने 15 साल की उम्र थी, 15 साल की उम्र से मैंने खाना बनाना सीख लिया था, और वो भी मैं अम्मी के साथ मैं बैठती थी, और मेरी मैं अपनी अम्मी को देखती रहती थी कि मेरी अम्मी क्या क्या डालती हैं चीज, मतलब ना सालन में, पुलाव में, बिरयानी में, और हर चीज़ मैं बना लेती हूँ माशाल्लाह से। हर टाइम बर्गर भी घर में बनाते हैं और रोल भी घर में बनाते हैं, अभी हम पराठा रोल बनाएंगे, फिर हम बिरयानी भी बनाएंगे, बम्बई बिरयानी बनाएंगे। अब ये रोल डाल रहे हैं हम, बिस्मिल्लाह रहमान। देखो आप हर काम के साथ बिस्मिल्लाह बोलती हो। बिस्मिल्लाह बोलनी चाहिए भाई, काम अच्छा होता है, अल्लाह के नाम से शुरू करना चाहिए, काम अच्छा होता है। उसको हल्की आंच में फ्राई करें, क्रिस्पी क्रिस्पी बनेंगे। देखिए हाइट छोटी है, मगर अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। अल्लाह ने हाथ पांव नाक सलामत दिए, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है, और हर काम कर लेते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और भी लोग हैं बेचारे जो मासूर हैं, ब्लाइंड हैं, जिनको सुनाई नहीं देती और देखते नहीं हैं, कुछ कर नहीं सकते, वो बेचारे वो हमें देख के रोते हैं कि बोलते हैं यार इनकी हाइट छोटी है मगर ये चल रहे हैं, फिर रहे हैं, ज़िंदगी में खुश हैं और हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, वो बेचारे अपसेट हो जाते हैं। हर हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आज आप ही होती तो वो नज़र आती किचन में, वो फ्राई का काम वो करती और बाकी सारा मैं काम करती, क्योंकि मुझे ना वो घुसने नहीं देते सिलेंडर में ना, तो इस वजह से उसको खतरा रहता है, तो वो इस वजह से फिर ना वो कहती है मैं आज मैं आधा ब्लॉक तो मेरे पास ही चलेगा, यहाँ पे मैं फ्राई करूँ चीज़ें। देखो पता नहीं आपकी वो उसकी नज़र लग गई, बहुत मेहनत करती है बेचारी। माशाल्लाह बोला करें आप लोग भाई, सही है, नज़र नहीं लगाया करें। हम जब से मेरे अब्बू की डेथ हुई है ना, तो वापी के घर पे यहीं पर ही है, क्योंकि हमारा यहीं ज़्यादा दिल लगता है। मेरे दो भांजे उन्हीं से रौनक है, खेलती हूँ उन्हीं के साथ ही, तो फिर मैं यहीं रह आज। यूसुफ ये आ गया, यूसुफ बुखार हो रहा है, झूठ, मम्मा बीमार है, मम्मा जी दवा से नहीं, क्या कर रहे हो आप, परेशान हो रहे हैं, ठीक हो जाएंगी, हाँ हाँ ठीक हो जाएंगे, और ये परेशान हो रहा है बेचारा, ये हो जाएंगी रोनी, रोनी परेशान नहीं हो आप, अल्लाह से दुआ मांगो। रोजा भी है ना आपने, रोजे माशाल्लाह इस बार के रोजे जो है ना वो माशाल्लाह माशाल्लाह पूरे जा रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह।
हम लोग उसको बोलते नहीं है कि रोजा नहीं रखो, फिर भी नहीं बोलते नहीं मैं रोजा रखूंगा। हम नियत नहीं करवाते मगर इसको नियत वाली दुआ याद हो गई, वापिस होमी रजन जवई तुम इन शारे रमजान पूरी याद हो गई इसको। ये मैंने सब्जी वाले ना पकौड़े डाल दिए, अपना रोजे में टाइम जो है ना बहुत कम है, तो सवाल की आँच कर रही हूँ सिलेंडर से। हेलो उठो उठो, अफ्तारी का टाइम हो गया। अफ्तारी का टाइम हो गया, मेरी बहन ने सारा काम कर दिया माशाल्लाह। आज मैं इसको फ्राई करने का मना करती हूँ, डरती हूँ मैं ना सिलेंडर से ना, क्योंकि मैं सिलेंडर यूज नहीं करती, ये यूज नहीं करती मैं तो करती हूँ, यूज ही नहीं करती। अब इसके रिश्ते के लिए बहुत परेशान है, अल्लाह पाक इसका रिश्ता भेज दे, अल्लाह पाक कहीं ना कहीं से अल्लाह पाक का रिश्ता हो जाए, इसकी शादी कर दूँ मैं अपने हाथों से, क्योंकि माँ बाप नहीं है और बस तुम्हें पता माँ बाप के पास भी क्या होता है। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ। लास्ट तो नहीं आया भाई, ले आएंगे ले आएंगे। اللهم إني لك سنت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى اسمك أفطرت. खजूर नहीं खाते ना, पकौड़ा खाओ। हाँ खाओ खाओ, रोल रोल खाओगे? लावे रोल। मैं व्लॉग का एंड करने जा रही हूँ और बाजी जो है वो रोज़ा खोलने के बाद जो है वो आराम करने चली गई हैं और वो सो रही हैं, तो व्लॉग का एंड करती हूँ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और दुआ करें कि बाजी ठीक हो जाए, और आपको बुरा लग रहा होगा कि बाजी नहीं है, ठीक है? इस्माइल बताओ, लाइक करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें सोनू छोटी।